Hey everyone, it's Kushagra, the foodie driver, and welcome back to my channel. So, आज हम बात करेंगे 10 ऐसी चीजों की जो आपको अपनी कार में हमेशा रखनी चाहिए, चाहे आप कोई छोटी रोड ट्रिप पे जा रहे हो, चाहे लंबी रोड ट्रिप पे जा रहे हो, या फिर डेली कम्यूट कर रहे हो. सो अनलॉक 1.0 शुरू हो चुका है. सो इंस्टेड ऑफ जस्ट सिटिंग इन द रूम, चलो कार में चलते हैं. सो दीज आर द थिंग्स जो मेरी कार में हमेशा रहती हैं. लेट्स स्टार्ट विद नंबर 1, डॉक्यूमेंट्स एंड मैनुअल. डॉक्यूमेंट्स कहीं भी गाड़ी चलाने के लिए कंपलसरी हैं एंड उसके बिना आपका फ़ाइन भी लग सकता है. एंड मैनुअल मैं हमेशा इसलिए कैरी करता हूँ इन केस ऑफ एन एमरजेंसी, आपके फ्यूजेस कहाँ पर हैं, उनकी लोकेशन कहाँ पर हैं, अगर कोई ऑयल अपग्रेड करनी है इन एन एमरजेंसी तो वो ऑयल कौन सी कैटेगरी का यूज़ करना है, ये सारी इन्फॉर्मेशन आपकी मैनुअल में होती है. प्लस डॉक्यूमेंट्स तो वैसे भी आपको अप टू डेट रखने चाहिए, इसमें आपके लाइसेंस, इंश्योरेंस, पोल्यूशन अंडर कंट्रोल सर्टिफिकेट एंड गाड़ी की आरसी मैंडेटरी है, तो ये कैरी करना ना भूलें. नंबर 2 पे आते हैं एक बेसिक मेडिसिन किट, जिसमें आपकी बैंडेजेस और बेसिक मेडिसिंस होंगी जो आपके डे टू डे परेशानी में आपकी हेल्प कर सकती हैं. नंबर 3 पे आते हैं स्पेयर व्हील. अब इसका स्पेयर व्हील मेरी कार के नीचे माउंटेड है, आपका हो सकता है बूट के अंदर हो. स्पेयर व्हील के बारे में एक ध्यान रखें कि हो सकता है आपका एक स्पेस सेवर व्हील हो जो कि एक पर्टिकुलर स्पीड लिमिट से ज़्यादा आप नहीं चला सकते. एक्सयूवी में फुल साइज स्पेयर व्हील आता है तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप चाहे तो उसको रेगुलरली भी यूज़ कर सकते हैं, बट अगर आपका स्पेस सेवर है तो उसको जल्दी बदल लीजिए. अब आते हैं टूल्स एंड अमेनिटीज़ में जो मैं अपनी कार में कैरी करता हूँ. सबसे पहले एक बेसिक टूल किट जिसके अंदर स्पैनर्स हैं, स्क्रू ड्राइवर्स का सेट है, थोड़ी से रोप्स हैं और एक हैमर है. ये आपका कहीं भी काम आ सकता है, रोप से आप कुछ बांध सकते हैं. ये अलग अलग साइज़ के स्पैनर हैं इंजन कंपार्टमेंट के अलग अलग पार्ट्स खोलने के लिए. आपको इतनी एक्सटेंसिव किट रखने की ज़रूरत नहीं है, बट एक बेसिक किट ज़रूरी है. सेकेंड, टायर बदलने के लिए आपको जैक एंड उसका स्पैनर चाहिए, तो ये बहुत ज़रूरी है इन केस आपका मिडल ऑफ द रोड कहीं पंक्चर हो जाता है, तो ये किट आपके लिए बहुत ज़रूरी है. अब पंक्चर की बात करते हैं, ये है मेरी पंक्चर रिपेयर किट. पंक्चर रिपेयर किट में एक बेसिक पंक्चर सेट और एक इन्फ्लेटर मैं रखता हूँ. ये पोर्टेबल इन्फ्लेटर है जो कि DC सॉकेट में कनेक्ट हो जाता है एंड ये आपके टायर को रीफिल कर देगा. ये आप चाहे तो पूरा सेट रख सकते हैं, इट इज़ नॉट वेरी एक्सपेंसिव. अमेज़ॉन से ये 1,000-1,200 रुपये का मिल जाएगा एंड ये किट तो ज़रूर रखिए. अब कभी कभार क्या होता है, नट्स वगैरह खोलने में हमें प्रॉब्लम हो जाती है क्योंकि काफ़ी टाइम से वो लगे रहते हैं एंड वो जाम हो जाते हैं. उसके लिए मैं WD-40 के 2 कैंस हमेशा रखता हूँ. ये मल्टीपर्पज़ चीज़ है एंड मेरे हिसाब से हर कार में ज़रूरी है. सो इससे कोई स्क्वीकिंग की साउंड आ रही है इंजन बेल्ट से उसमें भी काम आता है, ये मॉइस्चर ड्राइव आउट करने के काम आता है, और रस्टेड नट्स जो कि सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है मेरे हिसाब से, उनको लूजन करने में काम आता है. बस इसमें पाइप लगाइए, स्प्रे कीजिए नट्स पे, नट्स आसानी से खुल जाएंगे. दिस इज़ अ वेरी हैंडी टूल. नेक्स्ट चीज़ पे मैं आता हूँ अपनी बैटरी किट में. बैटरी किट में आप मल्टीमीटर ऑप्शनल रख सकते हैं, इससे आप अपनी बैटरी की वोल्टेज चेक कर सकते हैं, बट जंप स्टार्ट केबल इज़ द थिंग जो हमेशा मैं अपने साथ रखूँगा. जंप स्टार्ट केबल से आप अपनी कार को जंप स्टार्ट दे सकते हैं इन केस आपकी बैटरी डाउन हो जाती है और आप कहीं पे फंस जाते हैं, दूसरी कार की बैटरी की हेल्प से आप इसको जंप स्टार्ट दे सकते हैं. नेक्स्ट मैं आता हूँ, अगर आपकी कार कहीं फंस जाती है तो उसके लिए टो रोप बहुत ज़रूरी है. तो ये 2.5 टन की टो रोप मैं अपने साथ रखता हूँ और ये टो हुक गाड़ी के साथ ही मिलता है, तो टो रोप के साथ ही टो हुक ना भूलिए. नेक्स्ट, अपनी कार को साफ रखने के लिए एक बेसिक सा डस्टर और एक कपड़ा मैं हमेशा अपने साथ रखता हूँ. सो या फ्रेंड्स, दीज आर द थिंग्स जो मेरी कार में हमेशा रहती हैं. एंड मेक श्योर अगर आप कहीं छोटी या लंबी रोड ट्रिप पे जा रहे हैं, ये बेसिक चीज़ें आपके साथ हमेशा हों. सो या एवरीवन, दीज वर द थिंग्स दैट आई कीप इन माय कार. हाँ, आप इनमें से कुछ चीज़ें कम कर सकते हैं या कुछ और एक्स्ट्रा, अगर जैसे इंजन ऑयल एक्स्ट्रा या कूलेंट एक्स्ट्रा अगर आप लंबी ट्रिप पे जा रहे हो तो रखिए, लेकिन एक बेसिक चीज़ें ज़रूर अपनी कार में मेंटेन कीजिए ताकि आपको रास्ते में किसी और पर डिपेंडेंट ना रहना पड़े एंड आप अपने आप की हेल्प खुद कर सकें. सो इफ़ यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब एंड सी यू.